अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हफारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। चार पांच दिन हम लेट हो रहे हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल प्रॉब्लम या डोमेस्टिक प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हैं। तो आज हम कुछ ना कुछ आपको व्लॉग्स हम बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, देखेंगे कि क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या लोगों की ज़रूरियात है, उसके मुताबिक हम आगे फर्दर मूव करेंगे। वैक्यूम क्लीनर्स एक डेली की ज़रूरत वाली आइटम है, सफाई बहुत ज़रूरी एक चीज़ है घरों में। आजकल ज़्यादातर लोग कारपेट यूज़ कर रहे हैं, तो कारपेट जब आप यूज़ करते हैं तो उससे डस्ट इकट्ठा करना या उसको साफ रखना ये बहुत एक ज़रूरी बात है। तो काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ सफाई करते हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोगों की रेंज कम होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छी आइटम की तरफ जाते हैं, तो काफ़ी सारी जो है इसके अंदर बातें आती है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मेरा एक थीसिस इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ, उसमें यही बात है कि कस्टमर का जो माइंड है, ठीक है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी थीसिस है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ आजकल, तो वो इसी बेस के ऊपर है। मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि कस्टमर का जो माइंड है, जो बाइंग बिहेवियर है, उस वो किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, कौन सी चीज़ें हैं कि कस्टमर के माइंड को क्लिक करती है चीज़ लेते हुए। आप एक वैक्यूम क्लीनर खरीदते हुए किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप सब दोस्तों सब्सक्राइबर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों से हम टेलीफोनिक रब्ता करेंगे, जो कस्टमर हमारे हैं उनसे हम इंटरव्यू करेंगे कि क्या क्या आपके जहन में क्या क्या बातें आती है वो करते हुए। वो तो एक एकेडमिक चीज़ है मेरी, उसको इंशाल्लाह आप परफॉर्म करेंगे। आज हम वीडियो जो हमारी है वो कार शेप वैक्यूम क्लीनर के ऊपर है। कार शेप में डिफरेंट ब्रांड्स बना रहे हैं, हिटैची बना रहे हैं, सीको बना रहे हैं, और दो तीन ब्रांड है, वेस्ट पॉइंट है, डाउलेंस है, हायर है, लेकिन हम वो चीज़ बेचते हैं जो एक तो यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो या लोकल असेंबल्ड हो, प्लस ये है कि हमारे लोकल जो कंपनी है उसको कोई ना कोई इससे फ़ायदा हो, तो कोशिश ये होती है कि उसको अपडेट करते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अगेन हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये नया चैनल है, इसको आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें, और बेल का बटन भी आप जो है दबाएं, ताकि रोज़ जो हमारी वीडियो नहीं अपलोड होती है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी जो वीडियोज है इनसे बाखबर रह सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीको लीडिंग ब्रांड है इन पाकिस्तान, इन ड्रेप आइटम, आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे इनके आइटम जो है हम मार्केट में देख रहे हैं। तो 50 इयर्स आप एक्सपीरियंस इनका है, ठीक है जी। आज सीको का जो कार शेप है वैक्यूम क्लीनर, इसका हम आपको रिव्यू कराएंगे। मॉडल नंबर इसके ऊपर इन्होंने मेंशन कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, SG970VC, ठीक है। इसको खोलेंगे, रिव्यू करेंगे, इसकी शेप दिखाएंगे, बाकी चीजें देखेंगे। ये जो चीजें हैं, फिल्टर इसके अंदर कौन सा लगा है, वोल्टेज कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वारंटी कितनी है, ये सारी चीजें खोल के इसकी पावर आपको जो है दिखाएंगे। तो इसको पहले अनबॉक्स करेंगे या आप उसके बाद इसको देखते हैं कि अच्छा, अनबॉक्स इसको हमने कर दिया है, डब्बा इसका हमने खोल दिया है, देखते हैं कि एसेसरीज इसके अंदर जब आप एक नया डिब्बा खोलते हैं तो इसमें क्या आपको मिलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक ये डब्बा आपको मिलता है, इसके अंदर जो छोटे ब्रशेज हैं उसका यूज हम आपको बताएंगे, जो इसके एसेसरीज है इसका यूज सारा कंप्लीट आपको गाइड करेंगे कि ये किस यूज के लिए। एक ये आपको मिलता है, उसके बाद इसके साथ एक ये रॉड आपको मिलता है, ठीक है, इसका भी यूजेज का तरीका आपको बताएंगे। इसके बाद ये इसके साथ जनाब पाइप आ जाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब वाला ये वारंटी कार्ड प्लस इसका बुकलेट आपको इसके अंदर मिलता है। ये वारंटी कार्ड है, ये बुकलेट है, इसके ऊपर मॉडल वगैरह मेंशन है, वारंटी मेंशन है, ये आपको मिलता है। और उसके बाद जो है जिस तरीके के साथ इन्होंने पैकिंग की होती है वो अगर आप देख ले, ब्रश आपको मिल जाता है, ठीक है जी, बड़े साइज का ब्रश है, इसका यूजेज सब आपको इंशाल्लाह तरतीब के साथ बताएंगे अभी। उसके बाद जो मेन आइटम है आपका जो वैक्यूम क्लीनर है, डिब्बे के अंदर से हम उसको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया जनाब आपका वैक्यूम क्लीनर, ठीक है जी।
अब मुख्तलिफ तरह के इसके यूजेज है, इसको हम दोबारा से बीच में वीडियो एक दफा फिर पॉज करेंगे, आपको दिखाएंगे सारा कुछ, लेकिन हम आपको पहले से इसको खोल के बता देते हैं। ये इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, 3 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। इसका जो इस्तेमाल का तरीका है वो यही है जैसे मैंने इसको निकाला, इसको आप इजीली साफ कर सकते हैं रिमूव करके, फिर उसी तरीके के साथ आप इसको लगा सकते हैं यहां से, जैसे मैंने निकाला है उसी तरह आप उसको लगा सकते हैं, यहां पे लगा के इसके अंदर ये खुद ब खुद आ जाएगा। तो इससे आप जो है इसको लगा कर बेहतरीन इसको आप यूज कर सकते हैं। क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले जो मेन एक फीचर है, जो मेन पाइप है, ये हर फंक्शन के साथ अटैच है, ये आपको इसी तरीके के साथ लगाना पड़ता है, ठीक है जी। ये लगा के ये इसके अंदर फिक्स हो गया, ठीक है। फिक्स होने के बाद जनाबे वाला ये इसका आ गया पाइप, ठीक है जी। अब इसके आगे आपने एक जो काम करना है वो ये स्टिक यूज करना है, इसको इसका जो है लिंथ जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके बाद इसको लगा के, ठीक है जी, यहां से इसके साथ आपने ये लगा देना है। लगाने के बाद अब आपने जो भी ब्रश यूज करना है वो आप कर सकते हैं, लाइक मैं मेन जो ब्रश है वो यूज करता हूं, तो इसके लिए इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के बाद इसको आप जो है जमीन पर रख सकते हैं, इस तरह आपने जमीन पर इसको रख दिया तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है जी, वो काफी इसकी जो है इन्होंने लेंथ छोड़ी है, आप इसको इजीली चला सकते हैं इसके ऊपर रख के। ब्रश को आप जो है उबार भी सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे इसको बंद भी कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शन इन्होंने आपको इसके अंदर दिए कि अगर कारपेट बहुत ज्यादा वो है, उभरा हुआ नहीं है, नीचे के लेवल के ऊपर है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक ये फंक्शन आ गया, इसका पावर भी हम आपको चेक कराएंगे, लेकिन उससे पहले फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ये जो डब्बा है ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी, इसको आप जो है इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है ये आपको बता देते हैं। सोफों के लिए ये वाला आप यूज कर सकते हैं, अगर आपने कोई सोफा साफ करना है, बेड से आपने कोई डस्ट खींचना है या कोई भी काम करना है, ठीक है जी। ऐसी जगह है जहां पे बड़ा ब्रश है या ये जो ब्रश है ये नहीं जा सकता, तो ये वाला ब्रश आप यूज कर सकते हैं इजीली, आप उसको जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यहां से ये एडजस्टेबल है, अगर कोई बहुत दूर तक उसको आपने लेके जाना है तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। डिफरेंट सेटअप आइटम्स है, डिफरेंट सेटअप चीजें हैं, इसका पावर भी आपको चेक कराते हैं कि पावर इसकी जो है वो कितनी है, मोटर की वोल्टेज कितनी है, ये सारी चीजें आज आपको जो है इसमें चेक कराएंगे। ये तो इसके जो पार्ट्स हैं इसके बारे में आपसे ब्रीफ एक डिस्कशन हमारी होगी। अब इसकी अगर हम लीड की बात करें, लीड इसकी कितनी है वो भी आपको चेक करा देते हैं। यहां से अगर आप देख ले, ठीक है जी, तो लीड का इन्होंने काफी बड़ा ये साइज इन्होंने रखा है, 3 मीटर का यूजुअली ये देते हैं, ठीक है जी। बेसिकली ये 3 मीटर का तार जो है इसके अंदर आ जाता है, ये काफी लंबा है, इधर से अगर आप इसको देख लें तो अगर बोर्ड काफी दूर भी है तो पूरे कमरे की सफाई आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको आप यहीं से इजीली आप इसको रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब पावर ऑप्शन भी इसके अंदर उन्होंने रख दिया है, अगर आपने ये फिल्टर्स निकालने हैं तो यहां से आप इसको निकाल के इजीली इसको साफ कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन की बात करें तो डिजाइन बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही प्यारा इन्होंने डिजाइन बनाया है, ये फिल्टर भी आप निकाल के इसको इजीली साफ कर सकते हैं। ये निकालना और साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप साफ नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा जो मोटर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक हो गया जी। इसकी अगर वोल्टेज की बात करें तो ये 1500 वाट का जनाब ये क्लेम करते हैं कि इनका जो मोटर है वो 1500 वाट का ये बना है, ठीक है जी। 1500 वाट की अगर आप बात करते हैं तो काफी हैवी जो है इसकी ये वोल्टेज, अगर मैं बात करूं
कार शेप के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत हेवी वॉटेज है, ये हम आपको चेक भी कराएंगे। डिजाइन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही वर्सटाइल और प्यारा इन्होंने डिजाइन रखा है। ये मूवेबल इसके व्हील है, बेहतरीन आप इसको जो है कर सकते हैं। 970 VC इसका मॉडल नंबर है, पावर 1500 वाट है, ठीक है जी। और 1 ईयर कंपनी इसकी वारंटी भी देती है। अभी मैं आपको इसकी जो पावर है, आप इसके ऊपर फोकस करें, इसकी जो पावर है ये भी मैं आपको चला के ओके करके दिखाता हूं कि आपने इसकी जो पावर है वो कितनी है। तो ये भी अभी देखेंगे इसमें कि कितनी पावर का जो है ये इन्होंने बनाया है। अब यहां से आप इजीली इसको चला के, यहां से ये एडजस्टेबल है, स्पीड आपने जितनी भी रखनी है आप तेज भी रख सकते हैं। अगर इसको आप देखते हैं बहुत पावरफुल है, सक्शन पावर जो इसकी है, देखिए यूजेज का तरीका है। अगर आप एक चीज को इजीली यूज कर मतलब अगर आप इसका तरीका अडॉप्ट करते हैं, बेसिकली हर चीज को इस्तेमाल करने का एक तरीका है, वो ये है कि 2 मिनट में ये बेसिकली अपना काम जो है वो इजीली ये कर लेता है। क्योंकि 15x15 का अगर रूम है तो 2 से 3 मिनट में 15x15 का रूम आप इसमें से इजीली साफ करवा सकते हैं। तो 2 मिनट 3 मिनट यूज के बाद आप इसको बंद करें, 2 मिनट उसको रेस्ट दें। अगर आप पूरे घर की सफाई कर रहे हैं तो आधा घंटा आपको लग जाएगा, आपका काम इसके अंदर जो है वो हो जाएगा। 5 मरले का 10 मरले का आजकल इस्लामाबाद पिंडी में जो मकान है, आप गांव में भी करते तो आपका घंटा लग जाएगा। लेकिन ये है कि अगर इस तरीके से आप उसको चलाएंगे तो आपकी जो मशीन है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अदरवाइज होगा ये कि ये अगर आप मुसलसल इसको यूज करेंगे तो इसकी जो पावर है ये या जो रिले इसके है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और जब गर्म होगी तो इससे मोटर सड़ने का भी खदशा होता है। दूसरा ये है जो सबसे बड़ा वो है मसला, वो ये है कि मोटर की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, मशीन की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है, अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो अंदर से बॉडी भी खराब होने का इसके अंदर खदशा होता है। प्राइस की बात कर लेते हैं, 10,000 रुपए का ये फिक्स प्राइस है, इसमें कोई निगोशिएशन नहीं है इसके अंदर, कोई हम इसके अंदर कंसेशन नहीं दे रहे। COD का काम हमने खत्म कर दिया है, COD के अंदर काफी सारे लोग फेक ऑर्डर दे रहे हैं, काफी जगहों के ऊपर हमें मसला जो है आया है। अभी अगर आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ इस्लामाबाद आपको ये चाहिए तो आपने हमारे इजी पैसा अकाउंट में पैसे डालने। अगर आप एक बार करते हैं तो हम आपको सर्विसेज देंगे, अगर आप नहीं करते तो आप हमारी वीडियो देख के नजदीक से ले सकते हैं या कहीं और से ले सकते हैं, जो लोग आपको COD दे रहे हैं उनसे आप जो है मंगवा सकते हैं। हमारा ये है कि हम इजी पैसा के थ्रू, बैंक के थ्रू आपसे पहले पैसे लेंगे, उसके बाद आपके इलाके की जो गाड़ी, ट्रांसपोर्ट गाड़ी पिंडी से अड्डे से आएगी उसको हवाले कर देंगे, वहां से आप अड्डे से उससे ये ले सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में हम COD दे रहे हैं क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में हमें नजदीक पड़ता है, हम डिलीवरी आपको दे सकते हैं, COD के ऊपर भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डिस्प्ले पे के ऊपर भी आपको आइटम अवेलेबल होगी। प्राइस की बात कर ली है, वारंटी इसकी 1 ईयर है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप सीको को रब्ता कर सकते हैं, हमें रब्ता कर सकते हैं, और कोई भी इशू हो हम आपके लिए हाजिर है, आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।